तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके पास गैप ईयर्स है ना, जब बहुत सारा गैप हो जाता है, फॉर सपोज 2 साल, 4 साल या 10 साल, इसके बाद आप अगर चाहते हो कि नहीं मुझे किसी आईटी सेक्टर में जॉब करना, क्या ये पॉसिबल है? एक मेरे पास कमेंट आया था ये कि मेरे पास लाइक आई एम 32 ईयर्स ओल्ड एंड कैन आई गेट द जॉब नाउ। सो मैं उसी बेस पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर लगे इस पे वीडियो, उस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो श्योर मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप चाहे आपके पास चाहे 10 साल का गैप हो जाए, 15 साल का गैप हो जाए या 5 साल का गैप हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जॉब आपको मिल जाती है। लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जहाँ पे मैंडेटरी होता है या कुछ कंपनीज ने अपना सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैंडेटरी कर रखा है। ज़्यादातर आपकी एमएनसी कंपनी इंक्लूड होती हैं जो कि 2 साल गैप ईयर्स के बाद आपको जॉब नहीं देती हैं। फॉर सपोज आपने 18 में बीटेक कंप्लीट किया है और इसके बाद में 20-21 तक आपने कोई जॉब नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, जैसे आप तैयारी करते रहे या वॉट एवर, जो भी जहाँ भी आपने 2 साल वो वेस्ट किए हों। तो उसके बाद क्या होता है, जब आप 22-23 में जॉब ढूंढते हो ना, तो कुछ कंपनीज हैं एमएनसी ब्रांड अपने में जो कि गैप ईयर्स के बाद आपको कंसीडर नहीं करते हैं और आपको जॉब वो नहीं देती हैं, वो पहले ही क्लियर साफ साफ मेंशन कर देते हैं। बट यहाँ पे आपके पास और भी कई सारे ऑप्शन हैं। Fortune 500 कंपनीज हैं, बहुत स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बहुत हैं। आप किसी भी हाईटेक सिटी में जाओगे ना, किसी भी बड़ी सिटी में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे देखोगे अगर एक बिल्डिंग 20 फ्लोर की है तो ऑलरेडी उसमें 40 कंपनीज हैं। तो कंपनीज़ की कमी नहीं है, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ यहाँ पे उस हिसाब से। बट अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मेरे पास 10 साल का गैप है, 15 साल का गैप है, उसके बाद मुझे गूगल में मिल जाए, माइक्रोसॉफ्ट में मिल जाए, डेल, एचपी, तो इन कंपनीज में थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी आपके लिए अगर जॉब करनी है और उससे अगर आपको अर्निंग करनी है तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको गैप ईयर्स के बाद भी जॉब देते हैं। बट हाँ, वो केवल आपका टैलेंट देखते हैं कि आप अंदर है क्या और आप उस ऑर्गेनाइजेशन में रह के उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या वैल्यू आप दे सकते हो। ऐसी बात है कि जब आप किसी कंपनी में जाते हो या आपका सिलेक्शन होता है तो उनके एक माइंड में ये प्रोसेस चल रहा होता है कि नहीं अगर मैं आपको सेलेक्ट करता हूँ तो आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हो या आपके आने से कंपनी कहाँ पहुँच सकती है, उसको कितनी ग्रोथ मिल सकती है और जो करंट में काम है वो आप हैंडल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें देख के तभी आपकी वहाँ पे हायरिंग होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो आपका 10 साल का गैप हो, 15 साल का हो, आपको जॉब इजीली मिल जाती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।